मच, थैंक यू सो मच। क्या कुछ प्लान है आपका, आपका बर्थडे है? एक तो वो मुझे किंकी चैलेंज करना है, ओके, एंड बहुत ज़्यादा धमाल वाली पार्टी करनी है और हर किसी को तल्ली करके यहाँ से भेजना है। सो माई फ्रेंड्स आर कमिंग स्लोली स्लोली स्लोली, सो द पार्टी इज स्टिल लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, सो वी आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट, सो लॉट ऑफ प्लानिंग इज गोइंग ऑन। बहुत अलग है, पहले तो वेलकम टू द मीडिया फैमिली, तो ये आप लोग बिल्कुल अलग हो, प्लस मेरे कुछ बहुत अच्छे अच्छे न्यू फ्रेंड्स बने फ्रॉम द इंडस्ट्री, फ्रॉम माई IPL बैकग्राउंड, फ्रॉम सोशल, काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्री से मेरे न्यू फ्रेंड्स बने हैं, सो इट्स गुड एंड ऑल आर देयर एंड स्पेशली लोग फ्लाइट ले लेके आ रहे हैं। अभी देखिए आपने सौरभ को देखा, ही जस्ट लैंडेड एंड ही जस्ट इन द पार्टी, यू नो अभी हिमालय आए, मतलब एवरीबडी इज लाइक कमिंग 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 कमिंग। हाँ, मुझे एक दो दिन का स्टे ताजलैंड में मिला है, मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया है ताजलैंड का स्टे, एंड ये वॉच मुझे दी है, एंड आई गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स, परफ्यूम्स एंड आई डोंट नो व्हाटएवर, सो एंड ऑफ कोर्स दिस डिजाइनर वेयर, सो थैंक यू। इसकी बात करने वाला था, काफी खूबसूरत दिख रही है डिजाइनर ड्रेस के बारे में आप बताएं। सो दिस इज माय फ्रेंड, दिस इज माय फ्रेंड, सॉरी, या सो दिस इज माय फ्रेंड, उसका नाम है रिति, सो शी हैज डिजाइन फॉर मी, रिति चावला, सो उसने मेरे लिए भेजा है, एंड दिस इयर रिंग्स इज फ्रॉम अंजना, सो ये इयर रिंग्स मेरी फ्रेंड अंजना ने डिजाइन किया है स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस, और ये मेरा लाइक शिव जी ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई मॉम, सो आई हैव टू वेयर दैट, थैंक यू। एंकरिंग के अलावा कोई प्लान है आपके टीवी या बॉलीवुड में आने का? या ऑफर्स हैं मुझे, सो आई एम जस्ट चूजिंग बिकॉज अभी मैंने IPL फिनिश किया है, सो लेट मी सी, टीवी मूवीज, मूवीज के हैं इनफैक्ट, सो लेट सी, अभी मैं थोड़ा बर्थडे के जोन में हूँ, सो आई विल सी द स्क्रिप्ट्स एंड ऑल देन एल्स। लास्टली पूछना चाहिए कुछ आपकी विश है खुद के लिए या कोई गिफ्ट आप खुद को देने वाले? मैं कुछ हंगामा इस साल करना चाहती हूँ, 2018 एंड होते हुए यू गाइज विल गेट अ गुड न्यूज़ एंड अ गुड हंगामा फ्रॉम माई साइड, बिल्कुल मतलब धमाल पटाखा टाइप का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि ये बिग बॉस में जाएंगी तो बड़ा ही हंगामा करेंगी, गारंटी। और साथ में इनके पार्टनर है नीलम जी, इसने बड़े लोगों को दंगल सिखाया हुआ है, अनुष्का को सुल्तान में और दंगल में, वो जो दो लड़कियां थी उनको ट्रेनिंग 2 साल इसी ने दी है, तो ये दो भी पछाड़ मारने में बड़े तैयार है। बिग बॉस के घर के अंदर क्या होने वाला है, तो बस अब जो समझ लो जब दोनों जाएंगे तो फिर दंगल ही होगा। आपके टाइम पे कौन दंगल था ये बताइए? दंगल हमने वहाँ तो हमने शुरू दंगल किया था, रायता फैला रखा था, इतना रायता फैला रखा था, ओह गॉड, तुझे वैसे ही तुझे करना पड़ेगा फुल ऑन रायता, फुल ऑन रायता। आप क्या करने वाली, आप बता दो जरा आप क्या करने वाली हो? गाली के बगैर बोलना, अब बोल दे, हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हरियाणवी में बताओ तो मजा है ना, थोड़ा हरियाणवी में, ऐसे हिंदी में नहीं चलेगा। हाँ, कोई हाथ लगा देगा तो हमने जान तो मार देंगे। अमेजिंग, तो हमें बस 2018 का चाहिए। हाँ जी, क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं तो बोलना चाहूँगा जी कि अल्लाह करे कि इस आने वाले साल में इनको बहुत तरक्की मिले, इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों, ये तंदुरुस्त रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या होने वाला है? हाँ जी, प्रियंका जाएगी यहाँ पे। अभी देखिए जन्मदिन है इनका, तो फिर डांस भी होगा, सब कुछ होगा फिर तो ना, जन्मदिन पे तो फिर क्या है, और एक इनको कीकी चैलेंज भी करना पड़ेगा। हमारे यहाँ कीकी चैलेंज इज लाइक कंपलसरी। आप तो पता नहीं क्या क्या होगा, वो तो आप सोचो ही मत। वहाँ तो कुछ बिल्कुल 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 कुछ अलग तो होना जरूरी है ना। हाँ, अरे वो देखो वो दिखाने की चीजें नहीं ना, वो चुपचाप, हाँ वो चुपचाप देने की चीजें हैं, वो तो बताई नहीं जा सकती, दिखाई नहीं जा सकती। काफी खूबसूरत दिख रही है, क्या कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए? बड़ी खूबसूरत है ये, तो आप देख ही रहे हो। हाँ जी, फिल्म का रिव्यू तो देते हो आप? हाँ, उनके बारे में इनका रिव्यू क्या दूँ, ये एकदम देखिए एकदम परी लग रही है, एकदम जो हीरोइन है वो इनके सामने पानी भरती हैं, एकदम हॉट सेक्सी लग रही हैं ये। ओह माय गॉड, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।
मेरा क्या इशू चलने वाला है भाई, मैं तो कभी कभी कुछ मेरा मन करता है तो मैं किसी फिल्म का रिव्यू कर देता हूँ, बस इतना ही है और तो कुछ नहीं। अभी कंट्रोवर्सी क्या चल रही है इस बात को लेकर? कंट्रोवर्सी कहाँ, मैंने तो कभी कंट्रोवर्सी की ही नहीं। वो तो आप लोग सोचते हैं कि भाई कंट्रोवर्सी है, आप उसमें से कंट्रोवर्सी ढूंढ लेते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सूरमा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसके? सूरमा। सूरमा तो बड़ी अच्छी फिल्म थी, मेरा रिव्यू भी मैंने शायद पहली दफ़ा किसी फिल्म को 4 स्टार दिए हों, तो बड़ी अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी और बहुत रियल फिल्म थी। तो जो उनकी कहानी थी उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ और लोग भी बहुत इंस्पायर हुए। इससे पूछो कि क्या लग रहा है आपको प्रियंका के बारे में, क्या लग रहा है ये बता। अरे क्या लग रहा है, बिग बॉस में जाएगी तो क्या होगा? डार्लिंग जरा बता दे, ये बता प्रियंका के बारे में, प्रियंका के बारे में जरा हिला दो। मैं बताऊंगी, ये मेरी सबसे पुरानी दोस्त है। जब मैं मुंबई में स्ट्रगल करती थी, द डे आई मेट हर एंड हम जिम करते थे साथ में, हम लोगों का कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है, मतलब शी इज स्वीट हार्ट, लियो गर्ल, रामा लियो गर्ल एज़ वेल, यस एज़ वेल। सो इफ शी गोज़ टू बिग बॉस शी इज गोना हिलाओ द होल बिग बॉस, आई एम टेलिंग यू। हाउ भी बताती हूँ कैसे। मैडम से प्यार अगर आप लोगे ना तो वो 10 गुना ज्यादा देंगी। इससे पंगा कर लिया ना तो ये किसी को नहीं छोड़ेगी। बिग बॉस में मैं थोड़ा दूंगा, वहाँ तो पंगा होना ही होना है, और बिग बॉस तो बनाए पंगे के लिए, पंगे के लिए। और पंगा नहीं होगा तो फिर बिग बॉस आप थोड़ा ही देखोगे, कोई नहीं देखेगा। इनसे इनसे ज्यादा इन लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस, हाँ, लोग पंगे के लिए देखते हैं बिग बॉस भाई। बिग बॉस पूरा सच है, बिग बॉस में कुछ झूठ नहीं है। So we leave KRK to the media and please carry continue. On. Please continue. अपना ज्ञान दीजिए आप। ज्ञान दीजिए। हो गया भाई जी? Thank you.